मंत्री जी, मैं आपको दो बताना चाहता हूँ, दो बैठ जाइए। जसपुर में 2 करोड़ का है रीपा केंद्र, 80 लाख रुपए उसमें लगा है प्रोजेक्ट बनाने का। 2 करोड़ की योजना में 80 लाख का प्रोजेक्ट बनाने का पैसा लिया है। कोरिया में ये जनपद पंचायत 50 लाख का लिया है, ठीक है। मतलब कितनी कितनी अमीरता की बात मैं बताऊं, 2 करोड़ का टोटल योजना है, 80 लाख उसमें प्रोजेक्ट बनाने का पैसा। आपसे असहमत कहाँ है मंत्री जी, उन्होंने तो बता दिया। मंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे हैं ना। बोल दिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, थोड़ी काम चलेगा। बोल दिया, इससे ज्यादा क्या बोले। 50 लाख रिपोर्ट। एक मिनट, आपका प्रश्न क्या है? माननीय सदस्य ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, की अजय जी आप खड़े हो जाइए, अध्यक्ष महोदय आप ले लीजिए। 50-80 लाख का हो गया। माननीय अध्यक्ष, 50 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सबका जवाब एक साथ देंगे, मंत्री दे रहे हैं, आप धैर्य रखिए। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न को ही मैं आगे बढ़ाया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपने कंपनी एनजीओ इसको तय किया था और उसके आधार पर खर्च तय हुए होंगे, तो उस खर्च में बजट जो 600 समथिंग करोड़ 2 साल का है, लगभग उतने ही पैसे अन्य मदों से हुए हैं, तो कौन कौन से पैसे मनरेगा या डीएमएफ या एसबीएम, एक मद दिया है इन्होंने एसबीएम, उनसे हुए और कितने पैसे बजट से खर्च होने थे, तो दूसरे मदों से कुल आप कितने पैसे खर्च किए हैं और बजट से कितने खर्च किए हैं, यह क्लब है और ये आप उत्तर नहीं आ सकता उसका, यह जांच ही इसका एकमात्र उपाय है। आपने एक दो जने का उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण मैं बिना देखे बोल देता हूं कि मेरे क्षेत्र में रूर्बन मिशन का बिना अनुमोदन दूसरे पैसे को लगा दिया गया, उसमें 1.5 करोड़ रुपया, तो ये तो कहीं का पैसा कहीं लाके रिपम घुसा दिया गया। आपका मूल विषय जांच का है, बिल्कुल जांच का है, वो बोल दिए ना। नहीं बोले, नहीं हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इस बारे में बोले आप, या तो सीधा कह दीजिए कि नहीं, मैंने कहा है अध्यक्ष महोदय, इसमें जनरल से ऑडिट कराएंगे, चीफ सेक्रेटरी के हेडिंग में समिति बना करके इसकी जांच कराएंगे, कहा है इससे पहले आप। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? चलिए, नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं चीफ सेक्रेटरी के पूरा हो गया, श्री व्यास कश्यप कमेटी बना के जांच कराएंगे, पहले ही कहा है, एक मिनट, इससे बड़ी घोषणा नहीं हो सकती, 6 महीने 8 महीने कुछ टाइम लिमिट बताइए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। एक प्रश्न पूरा हो चुका है, एक क्वेश्चन और, इतना पर्सन क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल बता रहे ठीक है, आप बैठिए, तो बैठिए, तो बैठेंगे तभी जवाब देगा। अरे बैठिए, तो बोले जी बैठिए, कोई मंत्री जी एक मिनट, कोई समय सीमा संभव है बताना? एक मिनट एक ठप्पू, चलिए आप जवाब दे दीजिए, माननीय मुझे आप लोग दीजिए, माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है, ठीक ठीक, अनुमति पर, अच्छा चलिए बोलिए। माननीय, जो रिपा में पास स्वीकृति किया जाता है, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कितना राशि लागत आती है ये बताने, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। चलिए ठीक, टेंडर, क्या उन कार्यों का टेंडर हुआ है कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूं। चलिए ठीक, आप उसे, पहली बात तो ये है मंत्री जी कि ये आपसे संबंधित मामला ही नहीं है, पिछली सरकार से संबंधित मामला है, इसलिए आप तो टेंशन फ्री होकर जवाब दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत सी राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, हमारे सरपंचों को दबाव डाल करके उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी या मंत्रियों के आगमन के पहले दबाव डाल के शुरू करने के लिए उनका पैसा रुका हुआ है। किसी भी दिन कोई भी सरपंच आत्महत्या कर सकता है, बिल्कुल, और तब आप लोग ये कहेंगे कि आत्महत्या हो रही है, ये मैं बता रहा हूं साहब, न खाता न बही, जो मंत्री और अधिकारी बोले वही सही चल रहा था उस वक्त, इसलिए इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करवाइए और सबसे पहले टाइम लिमिट हो और पहले आप ये सुनिश्चित करेंगे क्या कि जिन जिन सरपंचों को पैसा भुगतान नहीं हुआ है और जो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, आप बोलेंगे तो मैं ग्राम पंचायत के नाम सहित बता दूंगा अध्यक्ष महोदय, किसी भी दिन वो लोग आत्महत्या करेंगे, क्योंकि सरकार बदलने के बाद उनके पैसे का भुगतान खतरे में है और सरकार के समय में दबाव में, प्रश्न हो गया आपका, तो मंत्री जी से ये बोलवा दीजिए सरपंचों का तो कम से कम भुगतान करवा दीजिए और जांच करवा लीजिए।